गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विनय आपका स्वागत करता हूं एंड्रॉइड टैक्टिक्स चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्पाइडरमैन 2 गेम लेके आ चुका हूं, वो भी हाईली कंप्रेस में। जी हां दोस्तों, ये पीएसपी का गेम है, इसके लिए आपको पीपीएसपी एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आज मैं आपको ओनली 200 MB में पूरी गेम लेके आ चुका हूं, स्पाइडरमैन 2। आप यहां पे गेम प्ले देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा गेम है। दोस्तों इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही जबरदस्त है, जब आप इसे प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने इसे ऑलरेडी खेला होगा, जिन लोगों ने नहीं खेला उनके लिए बहुत ही जबरदस्त गेम है। दोस्तों बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। मैं आपको छोटी सी सेटिंग भी बता दूंगा अगर आपके एंड्रॉइड फोन में ये गेम लैग करे तो। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से गेम की फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और प्ले करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप गेम की फाइल को डाउनलोड कीजिए। गेम का साइज ओनली 200 MB होगा, तो आप उस फाइल को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपने जेड आर्काइवर और पीपीएसपी एमुलेटर को भी डाउनलोड कर लेना है और अपने एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने अपना जेड आर्काइवर ओपन करना है। ओपन होती है आपने उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने की है गेम की फाइल डाउनलोड, तो आप उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह की फाइल होगी जिसपे लिखा होगा विनय स्पाइडरमैन 2 पीएसपी हाईली कंप्रेस। दोस्तों ये 7Z फाइल होगी, 200 MB का साइज होगा। अब आपने इसके अंदर से ISO निकालना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके ISO निकाला है। दोस्तों अब तक तो आपको एक्सट्रैक्ट करना आ ही गया होगा। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको मैं आइडिया देता हूँ किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। आपने 7Z वाली फाइल पे क्लिक करना है, सॉरी जो आपके पास ये 7Z फाइल होगी आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। दोस्तों मुझसे तो ओवरराइड की पूछ रहा है, मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो आप बिल्कुल सही से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आपके सामने यहाँ पे इस तरह का ISO आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। मैं पहली वाली फाइल पर क्लिक करता हूँ और व्यू करता हूँ, इसके अंदर आपको यही ISO मिलेगा। तो आप एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपनी होम स्क्रीन पर जाइए। होम स्क्रीन पर आने के बाद आप अपना PPSP एमुलेटर को ओपन कर लीजिए। ओपन होती है आपने उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने की है गेम की फाइल एक्सट्रैक्ट। आपको इस तरह का देखने को मिलता है। अब आपने उस फोल्डर को सर्च करना है। अब आपने उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेम का आइकन आ जाएगा। अब आप इस गेम के आइकन पे क्लिक कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सेटिंग बता देता हूँ। तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ग्राफिक का ऑप्शन मिलता है, तो आप ग्राफिक सेटिंग में जाइए। अब आपने यहाँ पे देखना है जो इसका मूड होता है, आप इसे बफर रेंडरिंग पे रहने दीजिएगा और फ्रेम स्कीपिंग को ऑफ कर दीजिएगा। बाकी सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके सेटिंग को नोट कर लीजिएगा और अपने PPSP एमुलेटर पे कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों आप सेटिंग देख सकते हैं। उसके बाद आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप इस गेम पर क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे गेम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको गेम प्ले बताता हूँ। देखिए दोस्तों अब आप न्यू गेम पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे इजी सेलेक्ट कर लीजिए या नॉर्मल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए और डन पे क्लिक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों बहुत ही प्यार के साथ आपका गेम इधर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस गेम का मजा ले सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको हाईली कंप्रेस में इस गेम को लेके आ चुका हूँ। वैसे गेम का साइज बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इसी तरह हर रोज न्यू इंटरेस्टिंग गेम की वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं नीचे रेड कलर का एक बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसी तरह से गेम की वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे गेम प्ले शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ से गेम शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बैक करके भी बताता हूँ। देखिए बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है गेम। देखिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।